उस वक्त प्रशासन कहाँ होता है जब निर्माण चल रहा होता है? उस वक्त कौन सा भ्रष्टाचार चल रहा होता है? पटना के राजीव नगर में अतिक्रमण को हटाने के लिए 70 मकानों को, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि अवैध है, उसे तोड़ने के लिए पुलिस बल की टीम वहां पहुंचती है, लेकिन लोग और पुलिस आमने सामने हो जाते हैं। 2 लोगों के मरने की खबर है, 7 लोगों के झुलसने की खबर है। राजनीतिक तौर पर भी हंगामा मचा हुआ है। इसमें चिराग पासवान ने इस मसले पर खुलकर कहा कि वो न्यायालय के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं क्योंकि न्यायालय ने आदेश दिया है, लेकिन प्रशासन पर भी, पुलिस पर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले सुनिए फिर बात करते हैं। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बहरहाल, न्यायालय के आदेश पर ये कदम उठाया जा रहा है। मैं न्यायालय के आदेश पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। दुर्भाग्यपूर्ण मैं इसलिए बोलता हूं, उस वक्त प्रशासन कहाँ होता है जब निर्माण चल रहा होता है? उस वक्त कौन सा भ्रष्टाचार चल रहा होता है? क्यों प्रशासन निर्माण के वक्त अपनी आंखें मूंद लेता है? और जब कोई अपना घरौंदा बसा लेता है, जब कोई अपना आशियाना बसा लेता है, उसके बाद यकायक न्यायालय के आदेश पर प्रशासन की नींद खुलती है और बुलडोजर लेकर ये लोग पहुंच जाते हैं। मेरी शिकायत है, और आज भी आप चले जाइए, जितने भी निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स हैं, चले जाइए, क्या सारे प्रोजेक्ट्स बाय लॉ चल रहे हैं? और अगर नहीं चल रहे तो कौन जिम्मेदार है? जितना बनाने वाला अवैध तरीके से जिम्मेदार है, उतना ही जिम्मेदार वो प्रशासन के लोग भी हैं जो आंख मूंद कर इस तरीके की अवैध चीजों को होने देते हैं और बाद में न्यायालय के आदेश पर बुलडोजर लेकर पहुंचते हैं। तो आपने सुना, चिराग पासवान कह रहे हैं कि इस वक्त भी पटना समेत पूरे बिहार में जो निर्माणाधीन भवन है, क्या वहां पर सारे नियमों का पालन किया जा रहा है? जिस राजीव नगर में अवैध घरों को तोड़ने के लिए पुलिस पहुंची थी, आखिर वहां अवैध घर बन कैसे गया? क्या इसमें स्थानीय स्तर के प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो लिप्त नहीं थे? क्या बिना अधिकारी के, बिना किसी सीओ के, क्या ये संभव हो पाता कि वहां पर 70 मकाने बना ली गई हैं? जब वहां मकान बन गया है, उनका आसियाना बन चुका है, उसके बाद आप उनके आसियानों को तोड़ने पहुंचेंगे तो बवाल मचना जो है वो स्वाभाविक रूप से तय है। तो चिराग पासवान ने खुलकर सरकार पर हमला बोला और कहा कि सिर्फ राजीव नगर नहीं, पूरे बिहार में अवैध तरीके से जगहों का निर्माण हो रहा है। जहां पर अवैध तरीके से निर्माण हो भी रहा है, क्या वहां सरकार के तमाम गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है, तो इसके लिए अधिकारी जो हैं वो दोषी हैं। बता दें कि पटना के राजीव नगर इलाके में जो है, पुलिस वहां पहुंची थी, सिटी एसपी पर हमला किया गया, उनका सिर फूट गया, वहीं 2 लोगों के मरने की खबर है। हजारों की संख्या में पुलिस बल जो है वहां पहुंच चुकी है। पप्पू यादव भी वहां पहुंचे थे और साफ तौर पे कहा था कि ये नहीं होना चाहिए, गलत है, हमारे रहते ऐसा नहीं होगा। लेकिन डीएम साहब जो अड़ गए हैं और कह रहे हैं कि ये सरकारी जमीन पर मकान बना हुआ है और इसका तोड़ना जो है वो तय है, यानी इसे अब कोई रोक नहीं सकता। तो वहां पर कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अमला है और जो स्थानीय लोग हैं जिनके घर हैं, वो वहां पर भिड़े पड़े हैं। किसी भी हालत में वो अपने घर को जो है तोड़ने देना नहीं चाहते, जिस वजह से दोनों के बीच में पत्थरबाजी हो रही है, हिंसक झड़पें हो रही हैं। पुलिस वालों को भी पत्थरबाजी करते देखा गया, लोगों को पत्थरबाजी करते देखा गया। प्रशासन का कहना है कि ये मकान जो बने हैं वो अवैध तरीके से बने हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि हमारा घर यहाँ कई सालों से है, रोड सरकार द्वारा बनवाए गए हैं, गलियां बनाई गई हैं, नालियां बनाई गई हैं, बिजली दिया गया है, जो तमाम चीजें होती हैं वो सारी चीजें जो है उसी पता पर दिया गया है, वो उनका आसियाना है, सालों से रह रहे हैं। अगर उनके आसियाने को ढा दिया जाएगा तब वो सड़क पर आ जाएंगे। आखिर सरकार ऐसा कैसे कर सकती है? बीजेपी विधायक हैं, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो डटे हैं और कह रहे हैं कि ये सरकारी जमीन पर है, न्यायालय का आदेश है, हम तो इन घरों को तोड़ेंगे। तो अब राजनीतिक तौर पर भी सब विवाद मचना शुरू हो गया। चिराग पासवान ने कहा हम इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, न्यायालय का आदेश है, लेकिन सवाल ये होता है कि सालों से वहां अवैध मकान बन कैसे गया, इसके पीछे कौन लोग थे? और सच भी यही है कि भू माफिया पूरे बिहार में अलर्ट है। कितने भू माफियाओं पर कार्रवाई हुई? भू माफिया लाखों में वो जमीन बेचा होगा, और जिसने लाखों रुपए देकर जमीन खरीदा, लाखों रुपए लगाकर मकान बनवाया, और अगर उसके मकान को तोड़ा जाएगा तो इस तरह के हालात बनने तय है। लेकिन सवाल यह कि आखिर कितने भू माफियाओं को सरकार सजा देती है, क्योंकि ये भू माफिया अधिकारियों से मिलकर मोटा पैसा वसूल लेते हैं और फिर बाद में अवैध मकान के नाम पर उन्हें तोड़ दिया जाता है। आप क्या सोचते हैं इस मसले पर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देखते रहें NBC 24, हम आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।